ये घर की छतों पे आपको हल्की हल्की बर्फ गिरी हुई दिखाई दे रही होगी। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का डेट है 12 जनवरी 2023 और मनाली के टाउन में ठीक ठाक थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो गई है। रात को तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह मैंने जब उठकर देखा तो मनाली शहर में भी हल्का फुल्का स्नो हो गया है। नीचे आपको खेतों में बर्फ गिरी हुई दिखाई दे रही होगी, तो ये एरिया कहलाता है न्यू मनाली का एरिया। और सामने की तरफ है उधर मनाली का माल रोड। और माउंटेन पे देखिए, अभी भी बर्फबारी तो ऊपर माउंटेन पे हो ही रही है, लेकिन मनाली टाउन में 2023 का पहला स्नोफॉल हो चुका है। ये घर की छतों पे आपको हल्की हल्की बर्फ गिरी हुई दिखाई दे रही होगी, तो बहुत ही हल्की बर्फबारी हुई है, कोई ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। फिर भी 2023 में मनाली टाउन में पहला स्नोफॉल है ये। बहुत लोग वेट कर रहे थे कि मनाली टाउन में कब बर्फबारी होगी प्रॉपर मनाली टाउन में, मनाली के माल रोड पे। तो मनाली के माल रोड पे भी इसी तरह की बहुत हल्की बर्फ गिरी होगी, तो वहाँ तो लोग चलते उलते रहते हैं सुबह से ही, मेन मार्केट है, तो वहाँ तो बर्फ पिघल गया होगा, बर्फ देखने के लिए तो नहीं मिलेगा। तो ये खुला खुला व्यू में मैं आया हूँ थोड़ा टॉप पे, जिससे मैं दिखा सकूँ कि कैसा नज़ारा दिख रहा है सामने माउंटेन का। तो ये सेब के खेत है नीचे, इसमें भी हल्की हल्की बर्फ गिरी हुई है। और सामने ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, कुछ ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ऊपर बर्फ गिर रही है, नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल फ्रेश स्नो है, ये बिल्कुल, ये देखेंगे तो बिल्कुल भुरभुरी सी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और यदि आपको अभी जाना हो घूमने के लिए, अच्छा खासा बर्फ देखना हो, तो ऊंचाई वाले एरिया में आपको जाना पड़ेगा। ओल्ड मनाली में ज़्यादा बर्फ गिरा होगा यहाँ से, और जाएंगे उस तरफ बशिश के तरफ भी थोड़ी ज़्यादा बर्फ होगी। लेकिन ज़्यादा बर्फ आपको चाहिए तो आपको फिर सोलांग वैली ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर रोपेन इसकी सेंटर है। वहाँ पे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आज के टाइम में 1 से 1.5 फीट डेफिनेटली बर्फ मिल जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो बर्फ गिरा था वहाँ पर 1 फीट के आसपास गिरा था। तो इस बार मनाली टाउन में ही बर्फ गिर गया है, तो वहाँ 1 फीट के आसपास या उससे ज़्यादा बर्फ डेफिनेटली होगी। और या उसके अलावा आप कोठी भी विजिट कर सकते हैं, जो सोलांग वैली जाते हुए पहले से ही रोहतांग पास वाले हाईवे में है, तो कोठी तक तो आप डेफिनेटली विजिट कर ही सकते हैं। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग मनाली स्नोफॉल के संबंध में। और यदि सोलांग वैली जाना हो, तो यदि आपकी कार को यदि अलाउ कर दे नेहरू कुंड के आगे, तो डेफिनेटली अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। और यदि अलाउ नहीं करे फिर भी जाना चाहते हैं उस तरफ, तो मनाली माल रोड पर बहुत सारे 4x4 जिप्सी वाले खड़े रहते हैं, या किसी से भी बात करके जिस होटल में रुके हैं वो भी अरेंज करा देंगे, तो उससे आप मनाली के सोलांग वैली में जा सकते हो आज के डेट में। और आज का मौसम भी ख़राब रहने का अनुमान है, तो हो सकता है फिर से बर्फबारी हो। अभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इसीलिए बर्फ पिघल गई है। यदि बारिश नहीं होती हल्की हल्की बूंदाबांदी, तो और अच्छा लेयर देखने को मिलता बर्फ का मनाली टाउन में ही। रोपवे और इसकी सेंटर में यदि बर्फबारी हुई है, तो वहाँ पर मुश्किल से 3 या 4 दिन तक ही आपको बर्फ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सैलानी पहुंचना चालू हो जाएंगे, एक्टिविटी चालू हो जाएगी, भीड़ वहां पे बढ़ जाएगी। तो हार्डली 4 दिन या 5 दिन ही आपको वहां पर देखने को मिलेगा बर्फ रोपवे एंड इसकी सेंटर के पास। अदरवाइज सोलांग वैली के आजू बाजू तो जितनी बर्फबारी हुई है, तो आने वाले 10 दिन तक तो आपको आराम से अच्छा खासा फ्रेश स्नो तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी ज़रूर से कर लें इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए और पाने के लिए।